आज देखिए हमारे दोनों बच्चे मिलकर मेरे क्या बना दिए हैं। वैसे जैसे पागल पागल कह रहे थे एकदम पागल वाला मेकअप कर दिए हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 1 तारीख और 1 अगस्त है। आज का दिन बहुत खास है, जो अपने दोस्तों को एक दूसरे से मतलब मिलते जुलते हैं और फ्रेंडशिप करते हैं। तो आज क्या है, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो आप लोग को सबको मेरे तरफ से हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और आज देखिए सुबह हो गया है, हम लोग नहा धो लिए हैं और मौसम भी बहुत अच्छा है। और मेरी मंदिर कितने दिन से गंदे एकदम पड़ी थी, मतलब गंदे वो वाले गंदे नहीं, एक होता है ना इससे धूल मिट्टी बाहर से उड़ कर आ जाते हैं तो सब कुछ फैला हुआ है। तो मैं इसको सफाई करने जा रही हूँ, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, देखिएगा हम कैसे सफाई कर रहे हैं। ये जानते हो पंखा चलता है ना, ये दिया जब जलता है तो इसको हम घाव कहते हैं, तो हमारा ये नहीं बुझता है दिया। तो आज हम सब कुछ अच्छे से सफाई करेंगे। और ये घंटी है, यहाँ देखो कुछ पैसे रखे हुए हैं, बताए किसका है? मेरा है। तो ये देखिए इसमें आज हम अच्छे से साफ करेंगे। रुको यार, गाइस छोटा जगह है ना मंदिर की, समझ में नहीं आता कैसे रखे। तो ये सब भी साथ में लगा हुआ है और सब सामान हम उतार लेते हैं यहाँ से। पहले हेलो जी सर, आप लोग जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा, सब ले जाएंगे, अच्छे से धुलेंगे, सफाई करेंगे और सब फोटो वगैरह पोछेंगे भी। तो बेटा बहुत गंदगी मच गई है। हेलो मम्मी, सफाई करके आती हूँ मैं, सब सारा सफाई करके आती हूँ। तब तक आप लोग वेट करिए, वेटिंग करिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा देखने के लिए। हम मंदिर पहुंच रहे हैं, बहुत फैला हुआ है। फाइनली मंदिर भी साफ कर लिए, साफ सफाई कर लिए, सब अच्छे से किए हैं और मैं पूजा भी कर ली हूँ। अब मैं थोड़ा सा तैयार होकर फिर खाना ना बना कर फिर मैं आप लोग से मिलते हैं। और मार्केट जाने भी वाले हैं, इसे बोला मार्केट। तो ब्लॉग में जुड़े रहिएगा, अगर आज की वीडियो पसंद आती है तो गाइस हमको बहुत सारा प्यार दीजिए, आप लोग का प्यार मुझे बहुत ज़रूरत है। तो ब्लॉग में जुड़े रहिएगा, अभी मिलते हैं हम आपसे। A few moments later. पे खाना बना रही है गाइस, टाइम ज्यादा हो गया है। दाल देखो मैंने बना के रख दिया इधर, और चावल चूर रहा है, और जब मैं रात की सब्जी बची थी, रात की सब्जी बची थी उसको गर्म कर रही हूँ। और रात को मैंने आटा गूंथ के ज्यादा हो गया था, उठाओ इधर। और अभी मैं रोटी बनाऊंगी सोनाक्षी के लिए। हेलो ऋषभ, ऋषभ भी किचन में साथ साथ लगा है, सब्जी गर्म कर रहे हैं हम। एक बार और अभिनय को दवा भी खाना है, जल्दी जल्दी मैं उनको बना कर देती हूँ वो खा ले। वैसे सवेरे ब्रेड खाया था, नाश्ता किया था, बस अरे अब खाना देती हूँ खाने के लिए। इधर मेरा हो गया, अब मैं दाल छौंकूंगी, चलो जुड़े रहिए। अभी खाना नहीं बना और हम दोनों को भूख बन गया है बेटा, बन गया है। और देखो मैं थोड़ा सा रोटी बना रही हूँ तुम लोग के लिए, क्योंकि तुम सब्जी के साथ खाओगी। और ये सब बोला इसको देखो मेरा बच्चा, बहुत भूख। और गाइस आपका लंच होगा कि नहीं हमारा, तो बस अब मैं करूँगी क्योंकि बस एक लास्ट रोटी बचा हुआ है। और मैं अब जाएंगे एसी में बैठ के हम लोग खाएंगे, रोटी हमारा सब बन गया, खाना सब कुछ बन गया है, बस मिलते हैं। तो सो गाइस हम लोग का दोपहर का लंच लग गया है, अब मैं सबको निकाल रही हूँ, ठीक से निकाल लेना, निकाल लेते हैं। तो
इसको ज्यादा भूख लगती है। ये दाल मखानी जो कल रात को लाए थे वही है, और दाल चावल बाद में खा लेगी, पहले रोटी सब्जी खा लेगी। तू क्या खाएगा बेटा? दाल चावल। देखो गरम गरम चावल, धुआं निकल रहा है। पनीर की खाना, पनीर का खत्म हो गया था, दाल मखानी बच गया था तो रखे हैं, तो मामा के लिए गरम गरम निकाल लेते हैं। और ये दाल कंदेगा, दाल भी है। आप लोग को भी खाना है तो आ जाए, बहुत तेज भूख लगी है। हमें तो लगी है, पहले दे देते हैं लोगों को। क्या दोगी इन लोगों को खाना? क्या दोगी? अब देखिए आम का भी अचार है ना, पता मैं, लेकिन बाहर का रेडीमेड अचार है, मिक्स अचार है। लोगी बिने दे दो, बिने को हम दे रहे हैं निकाल कर, फिर रिश्ता को निकालेंगे। ये रोटी हमने बना दिया छोटा छोटा, ये बिने का खाना है। लोग दिख नहीं रहे हैं बीने जी। सब लोग बैठे खा रहे हैं, इन सबको भी निकाल देते हैं, दे रहे खाओ, दे रहे पानी। देखो निशा इतना, और सारा खाना खाना, ये खाना लेता है खाता नहीं है, ये खटाई खाता है, इसको खटाई देते हैं। खटाई में चम्मच खटाई में क्यों डाली हो? लो पानी। खटाई में क्यों डाली हो? खटाई तुम खाते हो ना, मैं अपने लिए निकाल लेती हूँ। ऐसे खाना बनता है तो हम सब लेकर खाते हैं। कौन बंद करेगा? क्या बंद करेगा? आप लोग का हुआ कि नहीं लंच, मैं भी निकाल ली हूँ। चावल एक साइड रख देते हैं, अब मैं इसी में दाल निकाल लेती हूँ। क्या करें, कैसा बना है खाना? खाना अच्छा तो मम्मी तुम्हारी बनाती है। दाल मखानी तो नहीं बनाई थी ना, रोटी में दाल मखानी तो बाहर से लाए थे कल रात का ही। अच्छा दाल मखानी बाहर का, कभी कभी ना बाहर का खाना भी खाना चाहिए, मन करता है खाने का। चलो हम भी खाने जा रहे हैं, चलिए जुड़े रहिए ब्लॉग के अंदर, तब तक मिलते हैं खाने के बाद। A few moments later. तो गाइस ये हम लोग खाना खा लिए थे दोपहर में, और टाइम कितना हो रहा है, 3 बज रहा है, और बीने का तबीयत बिल्कुल सही हो गया है, अब ये जा रहे हैं। और ऋषभ बोला है चार्जर, कहाँ गया ऋषभ? चार्जर है, मैंने बोला चार्जर ले लिया। ऋषभ मामा जा रहा है, बाय ऋषभ। अब ऋषभ का मुंह उतर गया है, उसके मामा जा रहे हैं। ऋषभ बाय, शर्मा गया। चलो गाइस बाय। चलिए गाइस ये लोग जा रहे हैं, बोल रहे हैं अपने रूम में चलो, लेकिन हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि घर हमको देखना होता है। बच्चे के सनाची के देखो, सनाची रोती है जो, अरे सर इधर देखे, चलो बाय कर लो। चलो ठीक है, जैसा होगा बताना। अभी ये घर से निकल गए हैं, अपने रूम पे जाएंगे। बाय फैमिली, बाय। A few moments later. Hi family, स्वागत है बंदे ना टिकटॉक ब्लॉग चैनल पे। अब मम्मी आप सोती है, आज मम्मी को मेकअप करेंगे, और ना पागल बता देंगे, पागल मम्मी। चलो उठो, कितना बज गया? 5 बज रहा है। हम ना मेकअप करेंगे तुम्हारा। ये तुम लोग क्या लगाई है ये सब? क्या लगाया है? क्या वीडियो डाल रही थी क्या? हाँ, मैं सो रही थी, वीडियो डाल रही थी। चलो मेकअप करते, चलो उठो, ऐसे अच्छी नहीं लग रही। हमको पागल बनाएंगे, हमको पागल बनाओगे? पागल नहीं, मेकअप करेंगे, उठो ना। अरे सर में बड़ा दर्द रख रहा है, मेरा मेकअप करने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा। हम कर देंगे ना, चलो उठो, ऐसे अच्छी नहीं लग रही साथ। क्या करे बेटा तुम, क्या? चलो उठो, सर में दर्द हो रहा मेरे। चलो चलो मैं कर क्या छोड़ा रहे हो? चलो चलो, हम मेकअप ला के रखे थे पहले। हम गाइस ये लोग क्या करने वाले, मैं सो रही थी।
दोपहर में खाना वाना खा कर पीने बाहर चला गया था। हाँ वो पहले बाल में रबड़ बैंड लगा के, अब पहले हम किससे स्टार्ट। मैं सो रही थी और ये लोग का एक मिनट रुको यार, मेरी तबीयत भी नहीं सही लग रहा है और ये लोग पता नहीं कह रहे मम्मी अच्छी नहीं लग रही, मेकअप कर लो। और वैसे ब्लॉग भी नहीं बना था, नहीं रिसम को पागल। और अब मैं किट्टू मौसी से कह रही हूँ, मम्मी का मेकअप करने जा रही हूँ, आप लोग पहले ये क्रीम देख लीजिए, नहीं तो बार बार पूछेंगे कि कौन सा क्रीम लगाती है दीदी ये वाला। और पहले अब हम मेकअप करने आता तो मेकअप करोगी? हम ऐसे करेंगे पहले, आधा मेरा मेकअप सामान खत्म है। चलो कोई नहीं, हम उसी में एडजस्ट हो जाएंगे। एडजस्ट हो जाओगे मेकअप में कि मेकअप से एडजस्ट करोगी? तुम्हारे पर एक सामान है तब से तुम ना वो निकालते जाओ क्या क्या लगाया जाता है। ये देखो सोनाक्षी हमारा मेकअप कर रही है मैडम। आज देखते हैं हमको पता नहीं क्या हो गया, जिससे कि मुझे ना थकान सब मतलब बहुत। क्रीम को हम अच्छे से लगा दिए हैं, अच्छे से लगा दे इससे पहले। और हम क्या करेंगे पहले, अब क्रीम को अच्छे से, अब क्रीम को पहले हम अभी अच्छे से नहीं लगेगा तो कैसे लगती थी। अब हम पाउडर लगाएंगे, पाउडर दो मम्मी देख रही हूँ, इधर लाओ गिर जाएगा, इधर लाओ दे दो दीदी को। अच्छा दीदी सब पाउडर लगाएगा, ऐसे नहीं उससे नहीं लगता बेटा। अच्छा दीदी से बात पाउडर लगा रहा है, देखो कौन सा पाउडर है ये? लोटस का टूटा है ये दीदी। हाँ पाउडर टूट गया है, लाना है। मार के नहीं जा सकती हूँ, ला नहीं सकती हूँ, मैं इधर लगा देती हूँ। पापा के पास पैसा है ना? हाँ तो फिर क्यों नहीं कर सकती हो? क्या अगर टाइम नहीं मिल रहा है बेटा? टाइम तो मिल रहा है, तो फिर पापा को टाइम मिल रहा है, तुमको नहीं मिल रहा है तब तो थक जाते हैं, घर का काम करते, तुम लोग को संभालते हैं, वीडियो बनाते, ब्लॉग बनाते हैं। और तुम मेरे लिए कपड़ा नहीं खरीदी है? अब हम लोग का पाउडर लग चुका है, रिसब वो देना। तो यार मेकअप कर रही थी, मेरी आदत थी अब मेकअप, चेहरा पोती हुई। देखते हैं क्या बच्चे हमारे मेकअप करते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ बच्चे भी पढ़ना पड़ता है। रबड़ बड़ लगाई थी देखते हैं कौन सी लगाई। गाइस ये भी टूटा है, आइज क्लोज। लाइनर निकाल दो बाबू, लाइनर तो काली तो है। अच्छा अभी नहीं लगा है, सही से करने दो मम्मी। चलो देखते हैं आज मैं पागल बना लूं। कैसे बना? अरे अरे तुमको तैयार करेंगे मम्मी। ये भी टूटा है, एकदम जोर दे है, मुझे देख सकता है। और देखो जुड़ गया, मम्मी को ये लगाएंगे। थोड़ा सा वो देना आईलाइनर है, आईलाइनर नहीं काजल। ये देखो मेकअप कर रहे हैं, पहले हम काजल लगा दे, रोना मत। और देखा हम ये लगाएंगे वो मेकअप कर रही। देखो हमारा अच्छा हुआ खासा चेहरा मेरा बेकार कर दे रही मैडम। मैडम नहीं साक्षी, मैडम कहती। अब देखिए हम ये लगाएंगे, बिंदी कौन लगाया? हम लगाएंगे। और एक चीज बाकी है, मुझे डर याद करती है। हाँ
जा रही हूँ। सॉरी मम्मी, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ा। क्यों? चलो कोई नहीं, वाइप से मिटा देना, कोई नहीं। एक मिनट, ऐसे अच्छी तो अपना सर्कल देख रहे, कैसी मैं लग रही है? ऐसा कोई मेकअप होता है? बताओ क्या हुआ, तुम्हें क्या मिला ऐसा मेकअप कर दिया, जरा बताओ। बताएं, हम ना चाचा का ब्लॉग देख रहे थे, जो चाचा ने किट्टो मौसी का मेकअप नहीं किया था, ऐसे भूत बना दिया था, तो वैसे ही मुझे, मैं भी आइडिया सोची कि मैं भी मम्मी को ऐसे करती हूँ। तो गाइस देखिए, हमारे दोनों बच्चे मिलकर मुझे क्या बना दिए हैं, ऐसे जैसे पागल पागल कह रहे थे, एकदम पागल वाला मेकअप कर दिए हैं। और कैसे मैं लग रही हूँ, हमारी लिपस्टिक देखिए, लिपस्टिक एक एक चीज कमी है कि ये, अब ये लाने दो, नहीं, नहीं, अब बहुत हो गया। नहीं, अब देखो लिपस्टिक, देखो लिपस्टिक ऐसे 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 ऐसे, ऐसे ये लाने देखिए, इधर देखिए, ऐसा कोई मेकअप करता है जरा बताइए तो। इतने पागलपंती कर दी, इतने पागलपंती कर दी, पूछो जी, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा मेकअप तो मनियो ना खराब कर दिए होंगे। हमसे बोली मम्मी तैयार कर दी, अच्छी नहीं लग रही हो, ये तो अच्छी सी क्या, मुझे एकदम छुछमाछर बना दी है, जैसे लग रहा है कि कार्टून, मैं जा रही हूँ रामलीला में पाठ करने। अरे बाप रे बाप, ऐसा कोई मेकअप करो था। अब ऐसा मम्मी कैसी लग रही तुम्हारी, इधर आओ, यहाँ यहाँ आओ, इधर आओ, अच्छी लग रही है, सामने नहीं आ रहा है, अच्छी लग रही हो। तो गाइस देखिए, बच्चे बड़े शौक होते हैं मम्मा को सजाने के लिए, सजाने के चक्कर में मुझे भूत बना दिए हैं, पागल पंती बना दिए हैं, पागल तो नहीं अच्छे हैं। आज का ब्लॉग सोनाक्षी ऋषभ के वजह से बना हुआ है। तो हमारी ब्लॉग अगर पसंद आएगी तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और हो सके तो बहुत सारा प्यार दीजिएगा सोनाक्षी ऋषभ के लिए। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।